हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन लॉरेंट सीरीज पर आधारित है। क्वेश्चन ये कहती है, फाइंड टू लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन इन पावर ऑफ जेड ऑफ द फंक्शन, जो हमें दे रखे फंक्शन जेड वो दे रखे वन अपॉन जेड इन टू वन प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इस रीजन के लिए हमें दो सीरीज के एक्सपेंशन निकालने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फंक्शन ये दे रखा है वन अपॉन जेड इन टू वन प्लस जेड स्क्वायर। तो हम अगर इस डिनोमिनेटर को अगर हम जीरो पुट करें तो जेड की वैल्यू हमें मिलेगी वो जीरो और फिर प्लस माइनस वन मिलेगी। अगर मॉडुलस की बात करें तो सिर्फ वन से ही हमारा काम बनेगा। तो जीरो और वन हमारा मेन चीज़ आ रहा है यहाँ से डिनोमिनेटर को जीरो पुट करने पर। तो रीज़न आपका जो दो लेने के लिए बोला है वो बन सकती है क्या, वो आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ हमारी क्या होगी कि जो फंक्शन दे रखा होता है अपॉन में, उसको आपको क्या करना होता है, पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है। तो ये जो गिवन फंक्शन है इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो a अपॉन z जो कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो क्या हो जाएगी, bz प्लस c अपॉन वन प्लस जेड स्क्वायर। अब पार्शियल फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा, और हालांकि मैंने यहाँ पर बता दिया है कि a की वैल्यू 1 आएगी यहाँ पर, b की वैल्यू माइनस 1 आएगी जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, और c की वैल्यू 0 आ जाएगी। पहले जो क्वेश्चन मैंने किए हैं वहाँ पर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन करके बताया भी है कि कैसे होता है, तो उन वीडियोस को जाकर भी आप देख सकते हैं, और वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और वो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम पूछे गए हैं। अब ए की, बी की और सी की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे तो आपका फंक्शन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, वन अपॉन जेड माइनस जेड अपॉन वन प्लस जेड स्क्वायर। तो जो इसमें दो केस बना के करने के लिए बोला है, दो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालना है। तो जो पहला लॉरेंट एक्सपेंशन मैं निकाल रहा हूँ वो मैं रीज़न ले रहा हूँ कि जो मॉडुलस जेड है वो एक से तो छोटी है और जीरो से बड़ी है, और दूसरा एक्सपेंशन मैं ये ले लूँगा कि जो मॉडुलस जेड है वो वन से बड़ी है। ओके, वन से बड़ी है तो जीरो से भी बड़ी होगी, तो दो ये सीरीज एक्सपेंशन हो सकते हैं, इन्हीं दो का हम प्रयोग करेंगे। तो पहला केस मैं ले रहा हूँ जो मॉडुलस जेड एक से छोटी है और जीरो से बड़ी है, तो जो बड़ी होती है उसे आप कॉमन निकालना होता है। तो ऑलरेडी आपका मॉडुलस जेड बड़ा है तो यहाँ तो सिर्फ z है, इसे तो कुछ नहीं करना है। इस वाले फंक्शन में आपको क्या करना होगा, मॉडुलस z एक से छोटा है यानी कि एक बड़ा है, एक कॉमन निकाले ना निकाले एक ही बात है। ठीक है, तो ये 1 प्लस जेड स्क्वायर ऊपर जाके क्या जाएगा, इनवर्स। और आपको पता है 1 प्लस एक्स इनवर्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इसी रूप में चलता रहता है। तो इस वाले फॉर्मूले से मैंने इसे खोल देना है, वन एक्स की जगह पर जेड स्क्वायर है एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, और एक्स की जगह पर क्या, जेड स्क्वायर कर दिया हमने। करने के बाद फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और इसे सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के बाद आपको कुछ ये इस प्रकार से मिल जाएगा, वन अपॉन जेड माइनस जेड प्लस जेड क्यूब प्लस जेड की पावर 4, ऐसे ही आपको मिल जाएगा, ये आपका आंसर होगा। केस टू हम ये ले रहे हैं कि जब मॉडुलस जेड एक से बड़ा है तब क्या होगा। तो जो बड़ा है यानी कि मॉडुलस जेड बड़ा है आपकी बार, तो ये हमारा फंक्शन है, वन अपॉन जेड माइनस जेड अपॉन वन प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि मॉडुलस जेड बड़ा है तो मॉडुलस जेड स्क्वायर भी तो बड़ा होगा, तो हमें क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, अंदर बचेगा वन प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर, जेड से एक पावर कम हो जाएगी तो नीचे बचेगा वन अपॉन जेड, और ये चीज़ इसकी पावर कुछ नहीं है तो वन है, ऊपर जाके इनवर्स में हो जाएगी। और सेम वन प्लस एक्स इनवर्स वाले फॉर्मूले से इसे खोल देंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड की पावर 4 माइनस वन अपॉन जेड की पावर 6, ऐसे चलता रहेगा। और फिर इस वन अपॉन जेड से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको के पास बचेगा वन अपॉन जेड क्यू माइनस वन अपॉन जेड की पावर 5 प्लस वन अपॉन जेड की पावर 7, ऐसे ही जो भी टर्म्स आएंगे वो सारे आपके आंसर होंगे, बिकॉज जब आपने मल्टीप्लाई किया हुआ ये प्लस का है और ये माइनस का, इससे ही कैंसिल आउट हो गया, तभी वो वहाँ पर वन अपॉन जेड का टर्म मिसिंग है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, नोटिफिकेशन बेल को भी साथ में दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, और मुझे आपका सपोर्ट। थैंक यू।